मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में मोजले ने दिया था। उसने क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। अगर आप इसको बेटा पीछे से कंपैरिजन करते हो, मेंडली पीरियोडिक टेबल, न्यूलर लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करते हो, डबर्नियर ट्रेड की बात करते हो, तो उन्होंने अभी तक एलिमेंट्स को अरेंज करा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बट मोजले ने इन 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करा था एटॉमिक नंबर के बेस पर। उसने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? उसके एटॉमिक नंबर पे। अब वो जो एटॉमिक नंबर है, कैसे, जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है, मतलब हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूं बेटा ग्रुप वन की, ग्रुप वन में अगर मैं कहती हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी, सोडियम की पोटाशियम, पोटाशियम की रूबियम, रूबियम की सीजियम जैसे, इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है? बिकॉज ऑफ अ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। तो क्या कारण था उनकी प्रॉपर्टीज सेम होने का, कि उनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम। दिस इज द कॉज ऑफ अ पीरियोडिसिटी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जो हम अब फॉलो करते हैं वो भी क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसी थी बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, समझना इस चीज को, जो वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम मतलब जो ऐसे लेंथ वाइज थे, उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो कितने थे? 1 to 8। जबकि मेंडलीव ने 0 to 8 दिए थे, 0 और 8 को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड करा था, ए और बी। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 1 to 18 ग्रुप्स हैं। और जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज है, दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल रोज, इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। जो कितने हैं? 1 to 7, वो क्या है? पीरियड। अब आप देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें मोजले ने बताई। अगर बेटा आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिप्रेजेंटेशन देखो तो वो ऐसे है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें 1 to 18 ग्रुप हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें ये 18 ग्रुप हैं। अगर आप ऐसे देखो हॉरिजेंटल रोज है, ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिप्रेजेंटेशन थी, जिसको मैं आपको रफली बोर्ड पे बताती हूँ कैसे था वो। देखो बेटा ये क्या है आपके पास? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया कितने मॉडर्न पीरियोडिक, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप। और 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। कौन सी हैं वो हॉरिजेंटल रोज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। ग्रुप कैसे हुए बेटा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीरियड कैसे हुए? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप देखो पीरियड 1 में हमारे पास
कितने एलिमेंट है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है। पीरियड वन में कितने एलिमेंट हुए, टू, और पीरियड टू में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने हैं, एट एलिमेंट। पीरियड थ्री में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एलिमेंट। उसके बाद पीरियड फोर में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, तो कितने हैं, एटीन। नेक्स्ट वाले में भी एटीन, फिर थर्टी टू, फिर थर्टी, ठीक है। तो ये बेटा आप देख रहे हो, ये वही नंबर है जो मैजिक्स नंबर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में आप शो करते हो। तो फर्स्ट वाले पीरियड में दो एलिमेंट, सेकेंड में एट, फिर एट, फिर एटीन, फिर एटीन, फिर थर्टी टू, थर्टी थ्री। अगर आप पूरा पीरियडिक देखोगे तो वो इन्हीं नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, मैजिक नंबर। अब जो हमारे पास ग्रुप वन और टू है, ग्रुप वन और टू है, इसमें हमारे पास क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेटल्स। ग्रुप वन और टू में क्या होती है, मेटल्स, याद रखना बेटा। और ग्रुप वन को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप टू को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है बेटा, ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ये सारे हैं जिसमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, आपको अभी इनके एलिमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्लस वन में कर लेना। उसके बाद अगर हम ग्रुप 13 टू 18 की बात करें, यहाँ पे नजर आ रहा है अलग से बेटा 13 टू 18, तो इसमें सारी क्या है, नॉन मेटल, सारी क्या है, नॉन मेटल, जैसे बरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, ये सारी क्या है, नॉन मेटल। तो जो ग्रुप वन टू और थर्टीन टू एटीन, ग्रुप वन और टू थर्टीन टू एटीन, ये आप शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जिनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी करते हैं हम इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करते हैं, या तो मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का, क्लियर है। उसके बाद अगर हम इस 1 2 ग्रुप और 13 टू 18 के बीच में देखें तो हमारे पास क्या नंबर है, यहाँ पर 3 से लेके 12 तक, और ये 3 से 12 इन दो और इन 6 ग्रुप के बीच में है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, मिड, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है, और इनका नेचर कैसा है, मेटलॉइड। कैसा नेचर है इनका, मेटलॉइड। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर ग्रुप 18 की बात करो बेटा, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट की फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन होती है। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन, क्या बोलते हैं, हैलोजन। और ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, चलैकोजन। और ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं, पिंकोजन। याद रखना बेटा, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ग्रुप वन और टू, वन को अल्कली मेटल, टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजन्स, ग्रुप 16 को चलैकोजन, ग्रुप 15 को पिंकोजन्स बोल देते हैं। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में 3 से 12 ग्रुप हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, और इसमें क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रुप 1 2 और 3 13 टू 18 को क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगर आप बेटा यहाँ पर देखो, पीरियड 6th और 7th मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 55, 56, 57 और 57 के बाद 72 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 57 नंबर पर जो एलिमेंट है लैंथेनियम, उसके बाद से कुछ एलिमेंट निकाल लिए गए। कौन से एलिमेंट निकाले हैं, 58 से 71, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया। ऐसे ही 7th पीरियड में से 89 एक्टानियम के बाद के एलिमेंट को निकाल लिया गया, 90 से 103
उनको नीचे रख दिया गया। तो 58 से 71 टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 14। हमने कहा ना यहाँ पे कितने एलिमेंट है बता, 32। अगर आप काउंट करोगे तो ये भी तो 18 ही आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18। फिर बाकी के 14 गए, वो 14 यहाँ से निकाल के नीचे रख दिए गए। तो जो ऊपर वाली सीरीज थी जो पीरियड 6 से निकाला गया है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेंथानॉइड। देखो क्या हुआ कि पीरियड 6 में से 57 के बाद 58 to 71 एलिमेंट्स निकाल लिए गए, जो 14 थे इसको क्या बोला, लेंथानॉइड सीरीज। क्यों बोला, क्योंकि लेंथेनियम एलिमेंट के बाहर निकाले गए, और इसको एसी क्या है, एक्टानियम इसके बाद के एलिमेंट है, इसको क्या बोल देते हैं, एक्टानॉइड सीरीज, जिसका एटॉमिक नंबर 90 to 103 था। इसमें भी कितने एलिमेंट थे, 14। अब इनको मेन पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्यों नहीं प्लेस मिला, अगर हम कहें कि हमने पीरियोडिक टेबल में से 14 एलिमेंट्स क्यों निकाले, क्यों, क्योंकि ये क्या थी, हैवी मेटल्स थी। और जो एक्टानॉइड था, एक्टानॉइड के 14 एलिमेंट क्या थे, रेडियो एक्टिव इन नेचर थे। और आपको पता है रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होते हैं एलिमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टानॉइड एलिमेंट। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को यूज करते हैं, बट लेंथानॉइड और एक्टानॉइड को यूज नहीं करते। तो इनकी प्रॉपर्टी सबसे अलग होने की वजह से इनको मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं माना गया था। क्लियर है बेटा, ये आपके लिए एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आपने इनके पॉइंट्स याद रखने हैं, किसको क्या कहते हैं, किसका मतलब क्या है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। जैसे अगर आप पहला ग्रुप देखो बेटा, क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसमें ये सारे एलिमेंट है। कैसे एक ग्रुप में जो ये सारे एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम है, कैसे सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, वो क्या कारण है। आपको अभी मैंने बताया था सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो जैसे हम बात करें ग्रुप वन की, ग्रुप वन को क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंटल। जैसे इसके एलिमेंट आपको पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और भी हैं, रूबियम, सीजियम। तो आप अगर आपको पोटाशियम तक का ही पता है, एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और इसका 19। इनके नहीं पता तो छोड़ दूंगी, इनसे पता चल जाएगा आपको। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो के शेल में 1 है, इसमें के में 2 और एल में 1, इसमें 2, 8, 1, इसमें 2, 8, 8, 1। आपने 9th क्लास में किया हुआ है। अगर आप देखो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट में जो सबसे बाहर वाला शेल है बेटा, सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैलेंसी। तो इन सब के बाहर वाले शेल में देखो कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या हुई, ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या हुई, 1। तो यही तो आपको बोला था कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तभी पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ये मैजिक नंबर है 2, 8, 18, 18, 32, 32, इनको मेन इंपॉर्टेंस दी गई, जो मेन रीज़न था इन प्रॉपर्टीज़ के रिपीट करने का। आई होप बेटा आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करने के लिए आपको इन एलिमेंट्स के कुछ दो ग्रुप बता देती हूँ बेटा, इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट के नाम लर्न करने हैं। कैसे लर्न करोगे, वो ट्रिक से कर सकते हो। देखो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन।
क्या कह सकते हैं, हे ली ना ने की रब से फरियाद। हे में से क्या निकला बेटा, एच, ही में से हे लीना, ली एल आई लीना, ने की से के रब आर बी से सी एस फरियाद एफ आर। तो ये इसके एलिमेंट है, हाइड्रोजन लिथियम पोटाशियम रूबियम सीजियम एंड फ्रेंशियम। हे लीना, ने का कोई यूज नहीं है, लीना एल आई, की के रब आर बी से सी एस फरियाद एफ आर। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आर ग्रुप वन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 1 3। इसका पोटाशियम का आपको पता है कितना होता है, 19। सोडियम रह गया बेटा, लीना ने, ने क्या है एन ए, 11। इसका 19, इसका रूबीडियम का क्या है 37, 55, देन 87। एच को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन, इसको लिथियम, एन ए को सोडियम, के को पोटाशियम, आर बी को रूबीडियम, सी एस को सीजियम, एफ आर को फ्रेंशियम। ठीक है, हे लीना एल आई, ने एन ए की पोटाशियम, रब आर बी सीजियम सी एस एफ आर। अब आप इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हो। अगर आप इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखो, 3 और 1 में किसका डिफरेंस है बेटा, 2 का, 19 और 11 में कितने का, 11 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 8, इसमें 8 का डिफरेंस है, ये क्या है 18, इसमें भी 18 और इसमें भी 32। ये भी क्या हुए, मैजिक नंबर हुए ना। ग्रुप वन के एलिमेंट लर्न करोगे, ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लर्न करोगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1 2 1, सोडियम की 2 8 1, फिर 2 8 8 1, 2 8 8 18 1, 2 8 8 18 18 1, 2 8 8 18 18 32 1। ये आपने लर्न करना है बेटा। अगर आप ये लर्न करोगे तभी आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक आप ये वाले ग्रुप के एलिमेंट लर्न कर लेना, नहीं पूरे लर्न कर सकते तो पोटाशियम तक लर्न कर लेना। क्लियर है, एक मैं आपको और बता देती हूँ, ग्रुप 17। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन। इसकी क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से एफ, कल से सी एल, बाहर से बी आर, आई से आयोडीन, आंटी से ए टी। आई को क्या बोलते हैं, आयोडीन, सी एल को क्लोरीन, बी आर को ब्रोमीन, आई को आयोडीन, एस्टर टाइल। एटॉमिक नंबर इनके 9 17, रोमियम का 35। अगर आप डिफरेंस देखो तो 9 और 17 में कितने का है, 8 का, इसमें 18 का, फिर 18 का डिफरेंस हो जाएगा 53, देन 32 85। तो आप ऐसे डिफरेंस देखोगे, वही मैचिंग नंबर आ रहे हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लोगे। आयोडीन का 9, इसका 17, 35, 53 एंड 85। और इनके आउटर मोस्ट शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 7, 2 8 7, 2 8 18 7, 18 और 10, 38, 38 हो गया ना, 2 8, 8 8 16, 17 18, 19 20 21 22 23 24 25, और 2 8 18, 18 20 28 37, 2 8 18 18 7, 2
8, 18, 18, 32, 7. तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1. ठीक है, ये लर्न करोगे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.